मिक्स नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉलीवुड के स्टार किड को लेकर। दरअसल यहाँ पे जो स्टार किड की हम बात कर रहे हैं वो भले ही अभी फिल्मों से दूर हैं मगर लाइमलाइट से नहीं, और फिल्मों से भी दूर नहीं है, बेहद ही जल्द डेब्यू भी करने वाली है। और लाइमलाइट की अगर बात करें तो वो अभी से ही काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम कौन से स्टार किड की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी यानी सारा अली खान की। सारा अली खान बॉलीवुड की एक ऐसी स्टार किड के तौर पर भी अभी जानी जाती हैं जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मानी जा रही है। सारा को जब भी मीडिया के कैमरों के आगे देखा जाता है तो वो बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई देती हैं, बेहद ही सिंपल सारा रहती हैं, और ज़्यादातर जब भी वो तैयार होती हैं तो मानो धमाका मचा देती हैं। मगर कहा जा रहा है कि सारा बेहद ही जल्द फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखेंगी। साथ ही साथ मानो ऐसा अब लग रहा है कि जहां इतनी पॉपुलैरिटी सारा की हो चुकी है और जहां पे अभी से ही कोई फिल्म ना डेब्यू करना और उससे पहले ही फैंस के बीच में सारा सारा जो छा चुका है, ऐसे में कहीं सारा अली खान के भी भाव बढ़ गए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, तो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे कि फाइनली सारा ने ऐसा क्या किया। मगर जाते जाते आपको एक हिंट दे देते हैं। दरअसल सारा अली खान ने अपने पापा यानी सैफ अली खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जहां पे अगर सारा सैफ के साथ काम करती तो वो उनके लिए भी अच्छा होता, क्योंकि कंफर्टेबल जोन जो होता है वो रहता, क्योंकि बाप बेटी की जोड़ी के किरदार में ही उन्हें फिल्म में दिखाया जाता। ऐसे में सारा ने क्यों इनकार किया है और आखिरकार क्या सच में उनके भाव बढ़ गए हैं, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार्स से ज्यादा स्टार किड्स का जादू छाया हुआ है, ये हर कोई जानता है कि इन दिनों स्टार किड्स जो हैं वो काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे स्टार्स जो हैं अपने बच्चों को बेहद ही जल्द वो लॉन्च भी कर रहे हैं और लॉन्च भी कर चुके हैं। तो वहीं इसी घड़ी में सबसे पहला और सबसे फेमस स्टार किड का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो स्टार किड का नाम है सारा अली खान। जी हाँ, यकीनन सारा अली खान आप सभी की फेवरेट भी होंगी। दरअसल सारा अली खान की खूबसूरती का दीवाना हर कोई यहाँ पर दिखाई देता है। सारा जब भी मीडिया के कैमरों के सामने आती है तो मानो उनका सिंपल अंदाज ही उन्हें सबसे अनोखा बनाता है। ऐसे में सारा बेहद ही जल्द बॉलीवुड में भी कदम रखने वाली है। कहा जा रहा है कि सारा अली खान जो है फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखेंगी, जहां पे श्रीदेवी की बेटी जानवी अपना कदम रख चुकी हैं और वो फैंस के दिलों में जगह बना चुकी हैं, तो वहीं सारा भी बेहद ही जल्द इसी दौड़ में शामिल होने वाली है। मगर उससे पहले देखा गया है कि सारा अली खान जो है अपनी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी बटोर चुकी है। मानो ऐसा लग रहा है कि जहां सारा को हर कोई प्यार कर रहा है, हर कोई उनका फैन हो रहा है, तो ऐसे में सारा के भाव थोड़े बढ़ गए हैं। जी हाँ, हाल ही में कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि सारा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दरअसल पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि सैफ अली खान के डूबते करियर को बेटी सारा का सहारा मिलेगा। जी हाँ, फिलहाल ऐसे होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा था कि पिता पुत्री को लेकर फिल्मिस्तान के निर्देशक नितिन द्वारा एक फिल्म को प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए सारा ने अलग होने का अब फैसला ले लिया है, यानी सारा उस फिल्म को नहीं करना चाहती। दरअसल नितिन ने बाप बेटी के संबंध को लेकर फिल्म की योजना बनाई। इसकी शूटिंग मार्च 2019 में होने वाली थी। फिल्म को
लंदन में ही और मुंबई में शूट किया जाना था। हालांकि सारा और सैफ ने इस फिल्म को साइन नहीं किया था, मगर खबरें आ रही थी कि सारा जो है पिता सैफ का सहारा बन सकती है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई सारा के भाव बढ़ गए हैं, जो उन्होंने अपने पिता यानी सैफ अली खान का ही दिल तोड़ दिया। फिल्म से अलग होने का कारण तो फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाया है, मगर एक चीज तय है कि सारा सैफ के साथ यानी अपने पापा के साथ काम नहीं करेंगी। इसी बीच सैफ ने अनुराग बासु के अगले प्रोजेक्ट को हां कर दी। जुलाई फिल्म मेट्रो का सीक्वल होगा। आपको बता दें, अनुराग बासु सैफ की पत्नी करीना की हां का भी अभी इंतजार कर रहे हैं, तो वो दोनों को एक फिल्म में साथ लेके आना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सारा ने नितिन की फिल्म को ना कहने के बाद दिनेश विजन की हिंदी मीडियम के सीक्वल को हां कह दी। विदेश में कैंसर का इलाज करवाने के बाद इरफान खान के स्वस्थ होने की खबर है और वो बेहद ही जल्द इंडिया भी वापस आएंगे। कहा जा रहा है कि इस सीक्वल में सारा के पिता इरफान खान बनेंगे। मानो कहीं ना कहीं जहाँ पे हर कोई जानता है कि सैफ अली खान का करियर जो है वो इतना कुछ खास नहीं चल रहा, तो ऐसे में उनके अपने उनकी अपनी बेटी ने ही उनका अपना साथ छोड़ दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद सैफ को जब उनकी बेटी सारा का सहारा मिलेगा तब शायद उनके करियर को बूम मिल जाए, मगर बेटी सारा है जो अपने पिता के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दे कि जहां पर सारा केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखेंगी, तो वही इंतजार है कि सारा बड़े पर्दे पर किस तरह से एक्टिंग करेंगी और अपनी कितनी पहचान वो अपने फैंस के दिलों में भी बनाएंगी। कहीं ना कहीं जब ये खबर सैफ तक पहुंची होगी तो लाजमी है कि एक पिता की जगह जहां वो खड़े हुए हैं, जहां उनकी बेटी सारा उनके साथ काम नहीं करना चाहती, ये फैसला सुन के उनका दिल जरूर टूटा होगा। हालांकि ऐसे में अब तक ये भी देखा गया है कि सारा और सैफ की बॉन्डिंग और उनकी परिवार वालों को लेकर भी उनकी अटैचमेंट काफी ज्यादा है। हाल ही में जहाँ देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, तो वहीं देखा भी गया कि सारा अपने भाइयों यानी तैमूर को भी राखी बांधने के लिए आई थी। ऐसे में सारा ने जो कदम उठाया है वो वाकई ही हैरान करने वाला है, और इसकी वजह कब सामने आएगी उस चीज का इंतजार फैंस और हम सब को सभी से है। सो वेल फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोग्राम में आपने देखा जहाँ हम बात कर रहे हैं सारा अली खान को लेकर। आपने देखा किस तरह से सारा ने अपने पिता के साथ काम करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, खबरें थी कि बॉलीवुड के डायरेक्टर जो हैं सारा और सैफ अली खान को एक फिल्म में साथ कास्ट करना चाह रहे थे, जिस फिल्म में सारा और सैफ अली खान पिता और बेटी के किरदार को निभाते। मगर ऐसे में ये सामने आया कि सारा ने इस फिल्म में काम करने से ही इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, या फिर यूं कहे कि उनके भाव बढ़ गए हैं तो वो अब अपने पिता के साथ ही काम नहीं करना चाहती। मगर उसके बाद जब ऐसी तमाम खबरें आई तो सारा ट्रॉल भी हो गई। तमाम तरह के लोग यहाँ पर सारा को ये कहते भी दिखाई दिए कि सारा मैडम, आपने अभी डेब्यू नहीं किया है तो इसलिए आप अपने भाव इतने ना बढ़ाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई सारा को नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहा है। ऐसे में सारा का ये कदम उठाना, अभी तक सारा की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिरकार उन्होंने पापा सैफ के साथ काम करने से इनकार क्यों किया, क्योंकि देखा जाता है कि दोनों बाप बेटी के बीच में काफ़ी अच्छी ट्विनिंग और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। हाल ही में रक्षाबंधन का जहाँ त्यौहार था तो सारा तैमूर को राखी बांधने के लिए गई थी, सैफ के घर पर गई थी और काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ पर देखा गया। ऐसे में अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ उनके माइंड में ज़रूर होगा। हालांकि बस अभी इंतज़ार है तो सारा के डेब्यू का। जब वो फिल्म केदारनाथ से बड़े पर्दे पर आएंगी, जितनी फैन फॉलोइंग वो पहले ही अपना चुकी हैं या पहले ही उन्हें मिल रही है, क्या उससे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वो अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ से बटोर पाएंगी, ये देखना काफ़ी बड़ा अब एक सस्पेंस बन गया है। फिलहाल आप भी इंतज़ार कीजिए और हम भी ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं कि सारा कब बड़े पर्दे पर आएंगी और अपने हुस्न के जादू को बिखेरती हुई भी दिखाई देंगी।
फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।